Hey guys, welcome back to my channel. Friends, हमें अपने गार्डन के लिए हमेशा जरूरत पड़ती रहती है मिट्टी की, और उसके साथ ही जरूरत पड़ती है हमें कॉम्पोस्ट की, जो कि साल भर हम जब भी प्लांट्स लगाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों की होती है. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये जो दो तीन महीने हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इनमें ही अपने प्लांट के लिए पूरे साल भर के लिए मिट्टी और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट इकट्ठा करके रख लेती हूँ. आप कैसे करती हूँ? आप बोलेंगे ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी जाओ और मार्केट से खरीद के ले आओ. लेकिन दोस्तों, मैं बहुत ही कम बजट में गार्डनिंग करती हूँ और हर चीज़ पे मैं पैसा खर्च नहीं करती हूँ. आप मेरा गार्डन देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं. फूलों वाले कुछ प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान रखती हूँ मैं अपने प्लांट्स का. और कम बजट में गार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी है, कॉम्पोस्ट है, उसकी तो मैं अरेंजमेंट खुद कर ही लेती हूँ. इसके अलावा प्लांट्स तो देखिए हमें खरीदने ही होते हैं. अगर कुछ नए चाहिए आपको तो इतनी सारी मिट्टी और कॉम्पोस्ट मैं कैसे इकट्ठा करती हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ. और मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं है फ्रेंड्स, मिट्टी भी होगी बिल्कुल खेतों से आई हुई बहुत ही अच्छी मिट्टी. तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट. वीडियो का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूजफुल वीडियो है. अगर आप चाहें तो मेरी तरह फ्री में मिट्टी और कंपोस्ट अपने गार्डन के लिए कर सकते हैं इकट्ठा. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खेतों की आई हुई बहुत ही उपजाऊ मिट्टी. आप इसे देख के अंदाजा लगाएंगे कि मिट्टी कितनी पोरस है, ये देखिए, और कितनी अच्छी मिट्टी है. और मुझे मिलती है ये बिल्कुल फ्री. अब आप बोलेंगे कि खेतों से जाके तो कोई भी फ्री में मिट्टी ला सकता है, लेकिन मुझे ये मेरे घर के दरवाजे पे ही रोजाना मिल जाती है. कैसे मिलती है? ऐसे. अब ये कौन देता है मुझे? तो चलिए ज़्यादा बात को घुमाते ना हुए मैं बताती हूँ आपको. फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो आलू वाले भैया आते हैं वो मुझे ये रोज़ मिट्टी दे के जाते हैं. देखिए इतनी इतनी मिट्टी वो रोज़ मुझे दे जाते हैं जब भी आलू में से निकलती है, क्योंकि सर्दियों में जो भी नया आलू आता है वो मिट्टी से पूरा भरा हुआ होता है. मिट्टी उसके चारों तरफ लगी होती है, क्योंकि वो इसे छाटते हैं तो मिट्टी उसके बाद फेंक देते हैं, लेकिन वो मुझे इसे दे जाते हैं. और एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने उन भैया से कभी आलू भी नहीं लिए हैं. बस हमारे घर के बाजू में एक टी स्टॉल है जहाँ पर वो भैया चाय पीते हैं. तो एक बार हमने उनसे ऐसे ही बोल दिया कि भैया मिट्टी ना फेंका करो, हमें दे जाया करो. तो तभी से वो लगातार हमें मिट्टी देते रहते हैं सर्दी में जब भी आलू में से निकलती है. लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी मिट्टी दी थी फ्रेंड्स. तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे अच्छे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी हेल्प करते हैं, और आपकी तो आपकी, साथ ही साथ वो एनवायरमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में. तो इसे मैं यूज़ कैसे करती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको. तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है एक सब्जी की क्रेट जिसमें से मैंने इसको छाना हुआ है इस तरीके से. अब बोलेंगे आप इतनी मेहनत क्यों करनी? तो फ्रेंड देखिए, कोई भी काम करते हैं तो मेहनत और लगन से हम करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है. सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलती है कि आप चलिए कुछ तो कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के लिए. तो इसमें से जो ये निकला हुआ है, अभी मैं इसे और छानूंगी फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मिट्टी है. तो ये जो छिलके हैं आलू के और कुछ छोटे मोटे गले सड़े आलू भी हैं, तो इनको मैं डाल दूंगी अपने कॉम्पोस्ट में. और उसके बाद ये वाली जो मिट्टी है आप इसमें थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मिलाइए, और कोकोपीट वगैरह जो भी हम मिलाना चाहते हैं वो मिलाइए, और बहुत ही अच्छी मिट्टी रेडी हो जाएगी. इसमें आप डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं. और फ्रेंड्स, मैं पिछले साल से इसमें प्लांट लगा रही हूँ, मेरे कभी भी प्लांट्स खराब नहीं हुए हैं और ना ही ये जमती है. आप चाहे इसे कितनी भी देर मिट्टी में डाल के, पानी डाल के और सुखा दो इसे, लेकिन फिर भी ये मिट्टी जो है आपकी स्टिकी नहीं होती है, बहुत अच्छी मिट्टी है, हार्ड नहीं होती है. तो ऐसे ही मिट्टी चाहिए हमारे प्लांट्स को. तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स मिट्टी की, वो भी खेतों से आई बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी. खेतों की मिट्टी में फ्रेंड्स जब हम प्लांट्स लगाते हैं, सॉरी, जब किसान कोई बीज डालते हैं तो वो एक दिन में इतना और अगले दिन में इतना हो जाता है. ऐसी होती है हमारे यहाँ के खेतों की उपजाऊ मिट्टी. तो इसमें अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो इतने से इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और न्यूट्रिशन से भरपूर हमारी ये मिट्टी है. तो ये मिट्टी की बात हो गई, अब बात करते हैं फ्री के कॉम्पोस्ट की, वो भी ऑर्गेनिक. तो चलिए मैं क्या करती हूँ उसके लिए वो भी देख लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से ही बनाया था एक ग्रो बैग. और पहले मैं दिखाती हूँ आपको, किसमें
इसके नीचे से देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कीड़े बदबू कुछ ऐसा पानी नहीं निकलता है इसमें से। क्यों नहीं निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो मेरे हाथ से ही बनाया हुआ ग्रो बैग है, काफी अच्छा है, मजबूत भी है, और मैं इसमें पूरा किचन वेस्ट अपना इस तरीके से डालती रहती हूँ, और एक लेयर किचन वेस्ट की और एक लेयर डालती हूँ मैं इसमें मिट्टी की। मिट्टी भी होती है हमारे फ्रेंड्स यही वाली, क्योंकि और एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के तो फिर क्या है फायदा बचाने का। तो इसमें से जितने भी ये आलू के छिलके वगैरह निकलते हैं सारा वेस्ट जाता है इसके अंदर। लेयर बाय लेयर मैं इसको लगाती रहूंगी और एंड में मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको फिनिश कर दूंगी। तो अभी सर्दी है तो सर्दी में देखिए मूली के पत्ते, आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गाजर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और जितनी भी सर्दी की सब्जियां होती हैं उनमें सब्जी से ज़्यादा छिलके बहुत निकलते हैं। तो ये गोल्डन टाइम होता है फ्रेंड्स हमें अपना किचन वेस्ट जो है स्टोर करके रखने का, ताकि हमारा इतना सारा किचन वेस्ट इकट्ठा हो जाए कि हम उसे गर्मी भर यूज़ कर सकें। और अभी हम इसे बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये मार्च अप्रैल तक बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसके ऊपर प्लांट लगा दें और बस ऐसे ही छोड़ दें, और फिर जब उस प्लांट को आप निकालेंगे, कोई भी सीजनल प्लांट लगाएं, परमानेंट ना लगाएं, परमानेंट भी लगा सकते हैं लेकिन फिर उसको आप निकालोगे नहीं। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है कंपोस्ट की तो आप उसी में रहने दें, अगर आप चाहते हैं तो कोई सीजनल प्लांट लगाएं 2-3 महीने के लिए और फिर आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। उस मिट्टी को आप, सीजनल प्लांट तो ख़राब हो जाएगा लेकिन मिट्टी आपके पास बहुत ही कंपोस्ट वाली ऑर्गेनिक फर्टाइल मिट्टी रेडी हो जाएगी। तो इसको मैंने पहले मोड़ के रखा था यहाँ तक, फिर जैसे जैसे ये मेरा भरता जा रहा है तो मैं इसको ऊपर की तरफ फूलती जा रही हूँ ऐसे, और पूरा मैं इसको भर लूँगी और फिर एक साइड में मैं इसको रख दूंगी। और जैसे जैसे आप इसको डालते रहते हैं तो नीचे वाला जो वेस्ट है वो बैठता रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। तो आप इसमें डालते रहें लेयर बाय लेयर जब तक ये पूरा भर ना जाए। तो अब बारी है इसमें एक लेयर मिट्टी की लगाने की। तो ये जो मेरे आलू के जो ऊपर से जो बचा है छानने के बाद, मैं इसके ऊपर इसकी लेयर एक अच्छे से लगा दूंगी इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगा दी है अच्छी सी, और इसके बाद हम दोबारा से एक बार किचन वेस्ट डालेंगे जब तक हमारा ये पूरा ग्रो बैग भर के रेडी नहीं हो जाता। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ऐसे ग्रो बैग में एक किचन वेस्ट भर के सारा एक प्लांट लगाया था, वो अभी कैसा चल रहा है ये देखिए। ये है टमाटर का प्लांट जो कि मैंने मेरी चाय की पत्ती में ग्रो हो गया था, जो कि मैं रखती रहती हूँ जब भी यूज़ की हुई होती है, तो उसमें अपने आप से ही उग गया था। तो मैंने एक ग्रो बैग बनाया, उसको किचन वेस्ट से भरा और उसमें लगा दिया ये प्लांट। और अब देखिए इसमें फ्लावरिंग, ये देखिए, और इसमें छोटे छोटे आई थिंक फ्रूट भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये रहे वो, ये देखिए आप, है ना। तो कौन कहता है फ्रेंड्स कि प्लास्टिक की बोरी में प्लांट नहीं लग सकते हैं, प्लांट लग भी सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और साथ में फ्रूटिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी चाहिए ऐसी खेतों वाली उपजाऊ मिट्टी, वो भी अपने घर के दरवाजे पे, तो आप किसी आलू वाले भैया से या सब्जी वाले भैया से बात करें, वो आपको, ये मेरी गारंटी है कि वो आप बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे आपको ये देने में, क्योंकि अपना जो वेस्ट है ये तो उनके लिए वेस्ट ही है फ्रेंड्स, इसका वो कुछ करते नहीं है। अपना वेस्ट फेंकने से अच्छा वो आपको दे देंगे बहुत खुशी खुशी। तो चलिए मैंने तो बता दिया आपको अपना सीक्रेट कि मैं किस तरीके से बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेती हूँ पूरे गर्मियों भर के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आइडिया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।